हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज के अंदर करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी। यहाँ पे भी जो पर्पस यही है कि आपको एक ब्रीफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताना है। देखो, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये 92 के अंदर लीडिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा सेटअप किया गया था। इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि जो पूरे देश के अंदर हर तरह की जो सिक्योरिटी है, ट्रेडिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, सारे इन्वेस्टर जो है इसको इजीली एक्सेस कर सके। और जब जो डीलिंग होती है उसके अंदर क्या है कि जो सिस्टम है फेयर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सेटलमेंट साइकिल शॉर्टर होना चाहिए। और ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेटअप की गई थी इसके अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखा गया था। देखो, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये इंडिया की लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है। 92 के अंदर ये फर्स्ट डीम्यूचुअलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज थी। डीम्यूचुअलाइज का मतलब होता है ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग जो होती है वो सेपरेट हैंड्स में होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। और ये देश के अंदर पहली एक्सचेंज थी जिसने मॉडर्न फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम जो था लॉन्च किया था। और प्रेजेंटली जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1.41 ट्रिलियन US डॉलर है, जिसकी वजह से क्या है कि पूरे संसार के अंदर ये 12th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और निफ्टी 50 जो है इन्वेस्टर यूज़ करते हैं। और दुनिया के अंदर भी क्या होता है कि निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस के हिसाब से वो इंडियन कैपिटल मार्केट को जज करते हैं। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो की डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, LIC है, SBI है, IFC है, IDFC है, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, गैगिल है, FDI लिमिटेड, GS स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, SAF, SE इन्वेस्टमेंट, मॉरिशस लिमिटेड, अरांडा इन्वेस्टमेंट, PT लिमिटेड एंड PI अपॉर्चुनिटी फंड्स। देखो, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये 1992 के अंदर एक टैक्स पेइंग कंपनी के रूप में सेटअप की गई थी। इसको 93 के अंदर क्या था कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर जो था स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा दिया गया था। और इसने होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट के अंदर 94 में काम शुरू किया। और डेरिवेटिव के अंदर इसने काम स्टार्ट किया है 2000 के अंदर। और यहाँ पे क्या है कि देखो, ये ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विसेज जो है इक्विटी के अंदर, इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर, डेट एंड करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर देती है। और इसके पास 2500 वी सेट है, 3000 जो है लीज लाइंस है, जो इंडिया के अंदर क्या है कि 2000 सिटीज़ के अंदर पूरा इसको जोड़ा हुआ है इन्होंने। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, देखो इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एक्सचेंज को मैनेज करते हैं। और इसने अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई हुई है। और जिसके अंदर क्या है कि मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस से मतलब काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेटिव लिए गए हैं। और वेरियस कमेटीज़ भी बनाई गई हैं जो इसको गाइड करती है, जो मतलब एडवाइस करती है कि कैसे हम इसको बेटर और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। और जो डे टू डे मैनेजमेंट है इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर को है, जिसकी की एक टीम है, जिसको प्रोफेशनल टीम जो है मैनेजिंग डायरेक्टर को हेल्प करती है इसकी डे टू डे रनिंग के अंदर। उसके बाद देखो, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, जैसे इक्विटीज़ है, वहाँ पे इक्विटीज़ डील होते हैं, इंडाइसेस, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, IPOs, सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरिंग स्कीम्स। डेरिवेटिव के अंदर क्या है, इक्विटी डेरिवेटिव है, इवन ये ग्लोबल इंडेक्सेस लाइक CNX 500, डॉ जोन्स एंड FTSE को भी इंक्लूड करती है। करेंसी डेरिवेटिव है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स है, डेट के अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, इक्विटी डेरिवेटिव है। और इसका जो ट्रेडिंग शेड्यूल है, देखो जो प्री ओपन सेशन है ये 9 बजे सुबह खुल जाता है और 9:08 पे क्लोज हो जाता है। उसी तरह क्या है कि जो रेगुलर ट्रेडिंग सेशन है 9:15 पे शुरू होती है और 3:30 बजे ख़त्म हो जाती है। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड डेरिवेटिव जो है, देखो 7 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है निफ्टी 50 के ऊपर लॉन्च किए हैं और ये लिस्टेड भी हैं। और 15 इंडेक्स फंड जो है वो भी निफ्टी 50 पे स्टार्ट किए गए हैं। इवन यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट जो है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी निफ्टी 50 पे लॉन्च किए गए हैं। वर्ल्ड इंडाइसेस भी हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो है निफ्टी 50 इंडेक्स पे होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी निफ्टी 50 पे होती है। ट्रेडिंग इन निफ्टी 50 इंडेक्स, फ्यूचर ऑन सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज,
ट्रेडिंग ऑन निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर ऑन शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। देखो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बहुत ही बढ़िया किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, और यहाँ पे क्या है कि देखो मिली सेकेंड के अंदर क्या है 450 मिलियन मैसेज जो है प्रोसेसिंग होती है। नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, और यहाँ पे NSE इंटरनेट बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर क्या है कि ऑनलाइन के अंदर हम इंफॉर्मेशन अगर एक्सेस करते हैं तो वो NSE इंटरनेट बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और 20 इयर्स के अंदर इसे टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम किया है। 94 के अंदर जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी तो एक सेकेंड के अंदर दो ऑर्डर्स हैंडल होते थे, और बाद में ये 60 हो गए, और प्रेजेंटली क्या है कि 1,60,000 ऑर्डर जो है पर सेकेंड जो है प्रोसेसिंग होती है, और जो इसका सेटलमेंट साइकिल है वो भी T+3 से T2 या T1 हो गया है। और देखो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस हैं, देखो स्टैंडर्ड एंड पुअर CNX निफ्टी जो है ये इंडेक्स सर्विसेज प्रोडक्ट लिमिटेड के द्वारा, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, और ये 22 अप्रैल 1996 को लॉन्च किया गया था। और इसका पीछे जो ऑब्जेक्टिव था, एक तो ये था कि जो मार्केट के अंदर चेंजेस आती हैं, जो मूवमेंट होती है उसको ये सही ढंग से दर्शाए, और इसके अंदर ये भी था कि जो फंड मैनेजर्स हैं उनको ये प्रॉपर रिटर्न और रिस्क के बारे में बताए, और ये डेरिवेटिव के लिए भी मतलब ताकि डेरिवेटिव को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए। और ये जो CNX निफ्टी था इसके अंदर निफ्टी 100 को इन्होंने रिप्लेस किया, और जो बेस वैल्यू है वो 1000 है, और बेस कैपिटल जो है 2.06 ट्रिलियन है, और यहाँ पे एक इंडेक्स कमेटी जो है बनाई गई है जिसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअल फंड्स और जो एकेडमिशियंस हैं उनको लिया गया है। और यहाँ पे बेसिकली जो पर्पस ये था कि इंडेक्स को ज़्यादा इंट्रैक्टिव एंड यूज़र ड्रिवन बनाने के लिए था। और देखो जो कंपनी एलिजिबल है इसके अंदर, उनकी जो 6 मंथ एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 500 करोड़ की होनी चाहिए या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, और उसकी जो स्टॉक है वो कम से कम जो है 10% फ्लोटिंग स्टॉक होना चाहिए। उसी तरह ही देखो क्या है कि जो CNX निफ्टी जूनियर है इसके अंदर भी क्या होता है कि 50 स्टॉक्स आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है कि फ्री फ्लोट मार्केट मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है, ये पहले जितनी लिक्विड नहीं होती। उसके बाद है स्टैंडर्ड एंड पुअर CNX डेफ्टी, ये डॉलर के अंदर इसकी डिनोमिनेशन होती है, और यहाँ पे क्या होता है कि नीट ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे अगर ये राइज होता है 3% तो इसका मतलब होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट भी जो है 3% जो है राइज हुई है। उसी तरह ही क्या है स्टैंडर्ड एंड पुअर CNX 500 इंडेक्स है जिसके अंदर 500 स्टॉक है, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वेटेड होती है, और यहाँ पे जो स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, ट्रेडिंग इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे चूज़ किए जाते हैं। उसी तरह CNX मिड कैप है, यहाँ पे भी क्या होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड जो है यूज़ किया जाता है। उसी के बाद CNX सेगमेंट इंडेक्सेस है, इसके अंदर भी क्या है कि बहुत सारे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने बहुत सारे सेगमेंट इंडेक्सेस बनाए हैं, जैसे CNX MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इंडेक्स, CNX PSE पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स, उसी तरह CNX IBG इंडियन बिजनेस ग्रुप इंडेक्स, CNX एनर्जी इंडेक्स, CNX फार्मा इंडेक्स, CNX इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, CNX PSU बैंक इंडेक्स, CNX रियलिटी इंडेक्स।